चैनल कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश का रिव्यू। काफ़ी डिमांड में था ये, तो मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ मंगवा के किस तरह ये वर्क करता है। ये टी ट्री एंड नीम फेस वॉश है फ्रेंड्स। टी ट्री हमारे स्किन के लिए काफ़ी तरह से हेल्पफुल होता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, एक्ने प्रॉन स्किन को क्लियर करता है टी ट्री। तो काफ़ी तरह से जो है टी ट्री हमारे स्किन के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स ये है मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। जो है ये फेस वॉश है पैराबेंस एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स है ये। नेट कंटेंट आपको 100 ml में मिलता है, 249 इसकी MRP है, 20% डिस्काउंट पे आपको और लेस मिल जाएगी इसमें। तो जो फ्रेंड्स इसमें है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, रिमूव्स एक्सेस ऑयल करता है, एंटी बैक्टीरियल है ये। तो इस तरह से जो है ये क्लेम करते हैं। टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ किस तरह से है, देखिए आप इस तरह से है ये। और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, नेचुरल लग रही है फ्रेग्रेंस भी। सो फ्रेंड्स अब मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से मैंने इसे हैंड पर ले लिया है और अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से रब करूँगी, अच्छे से मसाज करूँगी 1 मिनट के लिए। फेस वॉश को जो है आप मसाज किया कीजिए, देन आप वॉश किया करिए फेस वॉश को। तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, डेफिनेटली बहुत अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। बिल्कुल ऐसी है जैसे एसेंशियल ऑयल्स हों इसमें, तो नेचुरली लग रही है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो फ्रेंड्स मुझे ये लगता है ये जो फेस वॉश है ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है ये स्किन को, तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है ये फेस वॉश। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए कैसा वर्क करता है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम मुझे होती है, तो इसी वजह से मैंने इसे बाय किया। तो देखिए मैंने इसे क्लीन कर लिया है, सो बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। जब मैंने इसे अप्लाई किया अपने स्किन पर तो इसने पूरी तरह से मेरी स्किन से ऑयल जो है कंट्रोल कर लिया, इवन ग्लो भी दिया इसने मेरी स्किन को। बट फ्रेंड्स मुझे इससे नुकसान भी हुआ है इस फेस वॉश को अप्लाई करने से। मेरी स्किन पर पिंपल्स हो गए मुझे जब मैंने फेस वॉश को अप्लाई किया रेगुलर। 1-2 दिन मुझे नहीं हुए, बट थोड़ा जैसे जैसे मैंने इसको यूज़ किया 1 वीक, तो मुझे जो है पिंपल्स होना शुरू हो गए, पिंपल्स हो गए मेरी स्किन पर, तो मैंने इसे छोड़ दिया लगाना। तो उस ग्लो का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके स्किन पर पिंपल्स हो रहे हैं, आपका आपके जो है एक्ने हो रहे हैं आपकी स्किन पर, तो उस ग्लो का आप क्या करेंगे फ्रेंड्स। हमें अच्छा लगा कि इसने मेरी स्किन से ऑयल को कंट्रोल किया, पूरी तरह ऑयल रिमूव कर दिया था इसने, बट फिर भी मेरी स्किन पर जो है एक्ने हो रहे थे। जो पहले जैसे थे वो वैसे के वैसे थे, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। तो मुझे मामा अर्थ का ये फेस वॉश भी पसंद नहीं आया। मैंने इससे पहले मामा अर्थ के कंडीशनर का, आर्गन कंडीशनर का और आर्गन मास्क का रिव्यू किया था, आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।